खरगोन में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर खरगोन जिले के आदिवासी समाज में खासा उत्साह दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि हजारों की तादाद में समाज ने इकट्ठा होकर पूजन अर्चन करके जागरूकता रैली निकाली, जिसका जगह जगह भव्य स्वागत हुआ और कार्यक्रम के अंत में समाज को एकजुट रखने के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि मंगलवार को समाज द्वारा विशाल रैली निकाली गई। यह रैली डाबरिया फालिया के शिव मंदिर से पूजन करके निकली, जो बिस्टान नाका पीजी कॉलेज के सामने से गूंजती हुई कृषि अनाज मंडी में पहुंची, जिसमें हजारों की तादाद में युवा एवं युवतियां और समाजजन शामिल थे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा विश्व आदिवासी दिवस है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित जो हमको अधिकार मिला था वो आज 9 अगस्त को हमको अधिकार मिला था, आज उसी की विश्व आदिवासी दिवस की हमारी रैली है और मंडी के अंदर अनाज मंडी के अंदर हमारा प्रोग्राम है। क्या कार्यक्रम किस तरह का है, क्या है उद्देश्य, क्या है इसके पीछे? सुनाई दे रहा हूँ। उद्देश्य हमारा है कि इस देश के आदिवासी एक हो, भारत देश के आदिवासी एक हो और हमारे संवैधानिक अधिकार जैसी 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची हमें मिले और जो 244 का हमारी जो अधिकार है वो हमें मुख्य से मिले। ये कहाँ तक रैली निकाली? हमारी रैली डाबरिया में शिव मंदिर है, शिव मंदिर की पूजा अर्चना कर और डाबरिया से नाके तक आई और नाके से अनाज मंडी तक आई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष पटेल है, आदिवासी एकता परिषद जिला दक्षिण। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।